चायल के ऐतिहासिक सिद्ध बाबा मेले के मौके पर पूजा अर्चना ध्वजारोहण किया गया, धार्मिक रस्में पूरी की गई। ये रस्म चायल के प्रधान उषा शर्मा, उप प्रधान पंकज शर्मा सहित अन्य लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुई। इस मौके पर क्षेत्र के आराध्य देव बाबा सिद्ध से कोरोना के इस संकट में सभी पर आशीर्वाद बनाए रखने की प्रार्थना की गई। कोरोना के कारण ये दूसरा साल है जब चायल का सिद्ध मेला धार्मिक रस्म तक ही सीमित होकर रह गया। चायल की मेले की रौनक दो साल से कोरोना की भेंट चढ़ चुकी है। उप प्रधान राजीव शर्मा ने बताया कि चायल का मेला 3 दिनों तक मनाया जाता रहा है। ये मेला क्षेत्र के लोगों के साथ साथ देश के कई राज्यों से धार्मिक पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र रहता है, परंतु दो सालों से कोरोना की वजह से मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मेले में होने वाली केवल धार्मिक रीतियों को ही निभाया गया। उन्होंने कहा कि आज सभी ने मिलकर कोरोना का प्रकोप भविष्य में कम हो और जल्द समाप्त हो, इसके लिए प्रार्थना भी की। सबसे पहले मैं आप सभी को मेला बाबा सिद्ध चायल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आप सभी को ज्ञात है कि COVID-19 कोरोना के कारण 2 सालों से मेला नहीं हो रहा है, लेकिन परंपराओं का निर्वाह करते हुए चायल पंचायत द्वारा और चायलवासियों द्वारा आज मंदिर में जाकर ध्वजारोहण किया गया और पूजा अर्चना की गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बाबा जी की कृपा दृष्टि आशीर्वाद हम सब पर बना रहेगा और हमारा क्षेत्र दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। एक बार पुनः आप सभी को मेला बाबा से चायल की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई, धन्यवाद।